नमस्ते, मैं विजय कुमार वैदिक सुपर बात का मैं सक्रिय सदस्य हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, एक बात बताइए, हमारी भारतीय सभ्यता में कोई तलाक नहीं होता, जबकि अन्य धर्मों में जैसे आप मुसलमानों में देख लीजिए या क्रिश्चियनों में देख लीजिए, उन लोगों में तलाक की व्यवस्था है। मान लीजिए किसी का शादी होता है और पति पत्नी में आपस में मतलब अच्छे रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं, उनके पास एक ऑप्शन रहता है, चलो भाई हम इनके साथ खुश नहीं है तो हम इनसे अलग हो सकते हैं, धर्म के सहारे या कानून के सहारे। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में तो ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं, जिसकी वजह से मान लीजिए कोई स्त्री अपने पति के साथ खुश नहीं रह पाती है, इसके साथ ये अत्याचार हो गया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हमारे धर्म में भी एक व्यवस्था होना चाहिए ताकि जो पत्नी अपने पति से खुश न रहे, वो एक संविधान के तहत या कानून के तहत या धर्म के तहत वो अलग होके अपना जीवन व्यतीत कर सके। ये तो बड़ा अत्याचारी वाला बात महिलाओं के प्रति। जी देखिए, वर्तमान में जो अभी शासन व्यवस्था है, मतलब जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें तो ये प्रावधान है कि कोई भी भारतीय जो है एक सिस्टम से जाकर के अलग लग सकता है, मतलब अलग हो सकता है। लेकिन भारतीय सभ्यता संस्कृति में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, अब सवाल उत्पन्न ये होता है कि आखिर इसका क्या कारण है कि इस्लाम में है, ईसाइयत में है, इसमें नहीं है। तो उन्होंने ये व्यवस्था दी, हमने नहीं दी। तो अब इसको ये समझना जरूरी है कि इस्लाम में ये तलाक आया ही क्यों, या ईसाइयत में तलाक की व्यवस्था क्यों की गई, हमारे यहाँ नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है, इसको बारीकी से समझने की कोशिश करें। ईसाइयत और इस्लाम का मूल लक्ष्य है शासन करना, उनका उद्देश्य है कि हम शासन करेंगे और वो शासन करना चाहते हैं, और जब से उनकी उत्पत्ति हुई है तब से वो शासन के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। और वो अभी देखिए आप ईसाइयों की संख्या देखें आप पूरे दुनिया में, और इस्लाम जो है, जो इस्लाम मानते हैं, मुस्लिम धर्म को मानते हैं, उनकी संख्या देखें आप, दिन पर दिन ये बढ़ रहे हैं, इनकी जो देश है ना, ठीक है ना, वो भी बढ़ रहा है। खुद भारतवर्ष के दो हो गए, अफगानिस्तान इस्लामिक देश बना, पाकिस्तान इस्लामिक देश बना, और उधर बांग्लादेश इस्लामिक देश बना। लेकिन वही भारतीयों में शासन की परंपरा तो नहीं है, लेकिन त्यागने की परंपरा है। आप राजा हरिश्चंद्र को देखें तो उन्होंने पल भर में अपने राज्य को त्याग दिया। उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को देखें, सुबह उनका राज्याभिषेक होने वाला है लेकिन वो वनवास गए, छोटे भाई कहे कि हम भी चलेंगे, तीसरे बच्चे भरत तो कहे कि हम कुटिया में ही ठीक है, ठीक है। उसके बाद आगे वाले देखें तो आगे दुर्योधन द्वेष कर रहा है भाइयों से, लेकिन इंद्रप्रस्थ मिलने के बाद राजा वो नहीं बना, द्रोणाचार्य को सौंप दिया कि आप शासक बनो, शासन के लिए वो भी युद्ध नहीं कर रहा, समझे ना, केवल भाई से द्वेष है। अगर राजा बनने की इच्छा होती तो खुद बन जाता इंद्रप्रस्थ का राजा। आधुनिक भारत में देखें, विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्तृहरि के कहने पर या किसी आशंका में आकर के जब उन्होंने कोई बात कह दी तो विक्रमादित्य राज्य छोड़ के चले गए, और बाद में फिर इनको बुला करके भर्तृहरि बुलाते हैं, खुद राज छोड़ के चले गए, ठीक है ना। विक्रमादित्य शासन के लिए विद्रोह भी नहीं किए। आधुनिक भारत में देख ले, महात्मा गांधी ने नहीं कहा कि मुझे शासक बनना है, क्या जी सही है। इतिहास देखें या वर्तमान देखें, ठीक है ना जी, वर्तमान देखें तो वल्लभ भाई पटेल ने भी क्या किया, एक झटके में त्याग किया ना जी, हालांकि मौत उनके पक्ष में था, लेकिन शासन के लिए लड़ा कौन, किस मानसिकता के वाले लोगों ने लड़ा। अच्छा अब समझिए आप, जो शासन करना चाहता है ना, अच्छा भारतीयों का लक्ष्य क्या है, भारतीयों का लक्ष्य है कि परिवार बने, परिवार का निर्माण हो,
और व्यक्ति का निर्माण हो, ठीक है ना। परिवार का निर्माण कब होगा? परिवार के मूल में कौन है? तो पति पत्नी। परिवार के मूल में कौन है? पति पत्नी। अब देखिए, जहां परिवार संगठित हो जाता है, ठीक है, अब व्यक्ति मजबूत हो जाता है ना, वहां शासन दुर्लभ होता है, वहां शासन करना कठिन हो जाता है। यही कारण है कि अभी भी हम 80% है इस देश में, ठीक है ना, अभी भी हम इस देश में 80% है। उनका लक्ष्य क्या है? शासन करना। तो नहीं चाहेंगे कि परिवार निर्माण हो, तो वो ऑप्शन लेंगे ताकि कुछ भी खटपट हो, आप अलग हो जाए। अलग हो गए तो फिर शुरू से शुरुआत करनी है आपको, नया परिवार फिर नया करना है, तब तो संगठित हो ही नहीं पाए। परिवार है तो वहां रिश्ते नहीं है, यहाँ चाचा है, चाची है, दादा है, दादी है, मौसा है, मौसी है, फूआ है, फूफा सब है, सास है, ससुर है, ना है ना, वहां तो है ही नहीं। फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, कानून माँ है आप, कानून पिता है। अच्छा, साल भर रहे हैं, साल भर में तो रिश्ते ही पता नहीं लगा, है कि नहीं, साल भर में आना जाना ही नहीं लगा, तो भाई टूट गया। अच्छा, लड़की भी ऑप्शन रखती है, क्या पता क्या भरोसा ये डिवोर्स हमको दे दे, पहले बार अलग से ऑप्शन रखते हैं, पति भी अपना ऑप्शन रखता है अलग से, मतलब परिवार ही न बन पाए। जब परिवार ही नहीं बनेगा तो समाज का निर्माण नहीं होगा, फिर हमको शासन करना आसान होगा, हम शासन कर सकते हैं, समझ गए ना। तो इसलिए ये तलाक का प्रावधान इसलिए है कि हम शासन करें। अच्छा, अब सुनिए, भारतीयों में आप किसी लड़की से शादी कर लिए, जिंदगी भर उस लड़की को अपने साथ रखना है, छोड़ नहीं सकते उसको किसी भी कीमत पर, सुख हो, दुख हो, कुछ भी हो, आप उसको नहीं छोड़ सकते, मतलब उस लड़की का प्रोटेक्शन है ना। अच्छा, मान लीजिए लड़का अत्याचारी हो, लड़की पर अत्याचार करे, नहीं लड़का अगर, ठीक है, तो एक ही लड़की भोगेगी ना, अगर उसको अलग कर दिया तो दूसरी आएगी तो फिर उसके साथ अत्याचार करेगा, या आपका माल भी आई है वो सहते जाए, सहते नहीं। मैंने मेरी बात नहीं समझा, मेरे क्या कहना चाहता हूँ, आपने ऑप्शन नहीं दिया आपने अत्याचार को बढ़ाने का, वहां अत्याचार रुका ना जी। मान लीजिए कि ऑप्शन है मेरे पास, एक के साथ मैंने किया उसको छाप दिया, फिर दूसरे के साथ करेंगे उसको, फिर तीसरे के साथ करेंगे, क्योंकि धर्म कहता है कि अलग कर सकते हैं। आपने अत्याचार किया तो चल, इतना तो होगा ना कि एक के साथ रुकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा ये, लेकिन वहां तो आप पहले से तैयार है कि कोई भरोसा नहीं है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है, यह शब्द ही नहीं है पति पत्नी को अलग करने का, शब्द है, शब्द ही नहीं है संस्कृत में, संस्कृत में नहीं, हिंदी में कहां से आएगा? संस्कृत साहित्यकारों ने, संस्कृत ऋषि मुनियों ने शब्द ही नहीं गढ़ा कि पति पत्नी अलग हो सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए 25 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, ठीक है, आपको अपने भाई से या अपने मां से या अपने और भी जो घनिष्ठ संबंध है जिनसे प्रेम नहीं है, खत्म हो गया, तो ऑप्शन है आपके पास, दूसरी मां ला ले, दूसरा बाप ला ले। अच्छा, मान लीजिए आप इस शरीर में है, ठीक है ना, आंखें यहां दो है, नहीं समझे, तो ऑप्शन है इसका कुछ कि ये इधर भी चला जाए या तीन हो जाए। दुनिया में कुछ चीज के विकल्प होते हैं, अब कुछ चीजों के विकल्प नहीं होते हैं। विकल्प के तौर पे अगर शरीर का कोई बॉडी अगर कोई पार्ट अगर जो है खराब हो जाता है तो उसको काट के भी तो हटाया जाता है। हाँ, काट के हटाया जाता है, लेकिन दूसरा नहीं लगा सकते आप, हाथ काट के हटा दीजिए। यानी कि आपके अनुसार ये हुआ कि अगर पति जो है अगर दुराचारी हो तो उसको भी हटा देना चाहिए। हाँ, देखिए, दुराचारी हो तो आपको धर्म कहता है आप न्याय के लिए लड़ सकते हैं, आप न्याय के लिए लड़ सकते हैं, न्याय के लिए युद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। अत्याचार सहना तो शास्त्र कहता ही नहीं है कि अत्याचार सहो, आप अत्याचार क्यों सहोगे भाई। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ना कि सामने जितने खड़े हैं ना,
सब अधर्मी है। अब तुम्हारा धर्म है, तुम धर्म की रक्षा करो। दादा तो एक ही थे, विकल्प था दादा का भाई, भीष्म पितामह का विकल्प था, लेकिन युद्ध तो करना पड़ा जी। तो कहते हैं कि धर्म का पालन करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऊपर से आपने हमें ऑप्शन पहले ही दे रखा है कि बेटा बदल लो, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए पहले से ही आपको ये प्रावधान मिल गया कि आप जब चाहे तब बदल सकते हैं, तो बताइए जीवन में तो सुखी नहीं रहेगा और आप संगठित रहेंगे ही नहीं, आपका परिवार ही नहीं बन पाएगा, आपके रिश्ते नाते नहीं होंगे। ये संस्कृति इतनी लंबी चली क्यों? परिवार के कारण चली है ना। दुनिया में सबसे पुरानी सभ्यता संस्कृति भारतीय सभ्यता संस्कृति है, दुनिया में सबसे ज्यादा विकसित है, दुनिया में सबसे ज्यादा शास्त्रों का सबसे ज्यादा सब कुछ यहाँ विकसित है। आज सब लोग कहीं से घूम फिर के यही आते हैं, इस परिवार के कारण ही तो आते हैं ना। क्यों? क्योंकि यहाँ विकल्प नहीं दिया कि उस लड़की को आपने पा लिया। पाने से पहले आप चिंतन करें कि पाना है कि नहीं पाना है, वो ठीक है कि ठीक नहीं है। लेकिन एक बार चयन कर लिया तो अब आपके पास विकल्प नहीं है। आप चाहे तो दो कर ले, तीन कर ले, लेकिन छोड़ना किसी को नहीं है। छोड़ना किसी के, आपके बहाने हो सकते हैं छोड़ने के, उसके बहाने हो सकते हैं छोड़ने के, क्योंकि जीवन में है ना जी, हमारा शरीर कट गया, हम दरिद्र हो गए, हम कुछ भी हो गए। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी भी तो नहीं छोड़ी थी उनको, छोड़ी थी नहीं छोड़ी थी। तो ऐसा क्यों, ऐसा शास्त्रकारों ने क्यों कहा? उनको शासन का ध्यान नहीं है, उनको परिवार का ध्यान है। हम इस पृथ्वी पर आए हैं, हमको बहुत ज्यादा कष्ट है, लेकिन हमारे पास विकल्प नहीं है, हमको यही जीना है, यही मरना है। हमारे पास अगर वाटर की कमी हो जाए तो हमारे पास विकल्प नहीं है कि मिट्टी तेल से काम चला लें, डीजल से काम चला लें। शरीर की अपनी रिक्वायरमेंट वाटर है तो वाटर ही है, दूध से आप काम नहीं चला सकते। वस्तु को देखने के लिए प्रकाश चाहिए तो प्रकाश ही चाहिए, उसका विकल्प नहीं है। तो पति पत्नी ऐसे रिश्ते हैं कि वहां विकल्प नहीं दिया भारतीयों ने। क्यों? क्यों जानते हैं कि पति पत्नी ही है, अगर एक है तो आगे का सारा परिवार बनता है, अगर पति पत्नी है तो कोई रिश्ता नहीं बनता। बेटा कब है? पति पत्नी पर। बेटी कब है? पति पत्नी के होने से। सास ससुर कब है? भाई कब है? देवर कौन है? पति पत्नी के होने से। लेकिन मान लीजिए आपने शादी किया, साल भर के बाद हमने डिवोर्स ले लिया, फिर हम कहीं और शादी कर ली, ठीक है ना जी, कहीं और। अच्छा मान लीजिए कि एक बच्चा हुआ है, हमने कहीं और शादी किया, ठीक है ना, अब उसके शरीर से भी बच्चे हो गए, अब उसके शरीर से भी हो गए, ठीक है ना। अच्छा इसके भी हुए, उसके भी हुए, अब किसको कौन भाई कहेगा? अब मान लीजिए कहीं भाई बहन में ही शादी हो जाए तो जेनेटिक डिसऑर्डर होगा कि नहीं होगा? जेनेटिक डिसऑर्डर होने से कितने भयानक रोग होंगे, बच्चे कितने क्रूर होंगे। हमारे यहां बना क्यों? गोत्र छोड़ करके, ये छोड़ के, वो छोड़ के विवाह करने का। क्यों? क्योंकि आपकी ब्लड रिलेशन दूर का हो, और आप जो है ना आध्यात्मिक विचारधारा के हो। ये सब कुछ इस दृष्टि को ध्यान में रख के बनाया गया। ठीक है, आप कहते हैं कि भाई शादी हो गया, पत्नी को पति ये करता है, वो करता है, वो करता है, वो करता है। करता क्यों है पति? अर्थ के अभाव में, बेरोजगारी के कारण, नशा के कारण। सरकार नहीं जानती है कि शराब पीने से बीमारी होता है, लेकिन लाइसेंस देता कौन है? सरकार देती है ना, फिर कहती है शराब मत पियो, लाइसेंस वही दे रही है, उसी के सामने बन रहा है, सिगरेट सब कुछ वही है। तो दोस्तों सरकार हो गए हैं, गलती हम पति को कोसते हैं। अगर इन सभी चीजों को हटा दीजिए तब बताइए पति पत्नी में झगड़ा किस बात के लिए होगा? झगड़ा होता क्यों है? आप शराब पीते हैं, आप नशा करते हैं, आप पैसा कमा कर नहीं लाते हैं, तो ये सारे कारण पति का दोष थोड़े है, ऊपर से आया हुआ दोष है जो उसके सर पर आके पड़ा है। ये सभी सरकारों के कारण हो रहा है, इसलिए तलाक का प्रावधान होना ही नहीं चाहिए। पति भी ये दिमाग में रख ले कि ये मेरी पत्नी है। अब होता है, नहीं होता है, पहले पोता का शादी होता था तो दादा जाते थे,
लड़का कब देखता था, जब उसका सुहाग रात होता था, और जो है उसको स्वीकार कर लेता था, यही मेरी पत्नी है, आप प्रेम ऊपर हो जाते थे, पूरी जिंदगी चलता था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति में पढ़ते गए, तैसे तैसे ये समस्या आती चली गई। इसलिए तलाक का प्रावधान बिल्कुल ठीक नहीं है, ये होना ही नहीं चाहिए, और ऑप्शन ही नहीं मिलना चाहिए कि आप बदलें, आपको नहीं बदलना है। आइए सरकारों ने लाया ही इसलिए है ताकि व्यक्ति कमजोर हो, मैंने व्यक्ति का निर्माण होगा और ना परिवार का निर्माण होगा, फिर मेरा शासन करना सरल और आसान होगा, है कि नहीं? समझ रहे बात मेरी? हाँ, लोग ये बात कहते हैं कई बार, अभी आधुनिक जो शिक्षा से निकल करके आने वाले लोग हैं वो इस बात को बड़ा सामान्य रूप से कह देते हैं। नहीं ठीक है, मान लीजिए अगर विचार नहीं मिलते, आप मन में प्रेम इस तरह का कुछ नहीं है, तो अलग हो जाने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जानते हैं क्या होता है, कुछ साल के बाद वो दूर लोग जहां होते हैं फिर अनुभव करते हैं कि नहीं ठीक था, हमको समझ जाना चाहिए था, उनको हमको समझा देना चाहिए था, हमें समझाने वाला भी कोई नहीं था, हम भी अकेले थे। बाद में गलती महसूस होता है, क्यों? क्योंकि जब वहां जाके जब फिर फ्रिक्शन होता है किसी बात को लेकर, जब कुछ तू तू मैं होता है ना, तू कह देता है यही कारण है कि तुम्हारा पहले वाला छुआ होगा तुमको। अच्छा, ये कहीं से छूट के आया है तो फिर वो इसको ताना देती है, अरे ताने पर पूरी जिंदगी चलती है, जिंदगी का रस समाप्त हो जाता है। आप अगर दो मित्र एक साथ खेले कूदे हैं, बचपन में लड़ाई झगड़ा किए हैं, 10 वर्ष के बाद मिलेंगे ना, तो उस लड़ाई झगड़ा को ही आपस में बोल के रस आनंदित होंगे, होते कि नहीं होते? होते कि नहीं होते? हम लोग बचपन में ऐसे किए थे, तुमको याद है, हमने ढेला चलाया था, तुमको चोट लग गया था, हम लूट चोर रहे थे, अलग लेते हैं नहीं लेते हैं? तो जिंदगी का कभी कभी तूतुना है ना, आनंद का कारण भी बन जाता है। इसलिए इन बहानों को देकर के आज के नए आधुनिक लोग समझ नहीं पा रहे हैं। भारतीय संस्कृति बताइए, ऋषियों की कितनी दूरदृष्टि थी कि उन्होंने ये व्यवस्था लाया ही नहीं, और शासन की दृष्टि उनकी कभी नहीं रही, आज तक ये परंपरा है। गांधी जी ने कभी कहा कि हमको शासन करना है, हमको राजा बना दो? कहा कभी सुने आप? महात्मा गांधी के मुंह से कभी भी नहीं निकला। अब बोला भाई पटेल पल भर में त्याग दिए, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये त्याग की भावना आज तक है हमारे देश में। और उनके यहां चले जाइए, 1990 में काम हुआ था ना कश्मीर में, नोआखाली में हुआ था ना, मालाबार में हुआ था ना, ये सारे काम क्या बताते हैं? वो शासन करना चाहते हैं, उनको केवल शासन करना है। अभी तालिबान में हुआ है ना, दोनों एक ही धर्म के लोग हैं। इज्जत, महिलाओं की इज्जत का ख्याल रखा किसी ने? किसी के कोई महिला संगठन की किसी लोगों ने कुछ कहा, ये सवाल पूछा उन समुदायों से कि तू महिलाओं के साथ ऐसे क्यों, मानवाधिकार कुछ कहा ना? ये सारा सवाल हिंदुओं के साथ होगा। इसलिए ये तलाक का ख्याल मन में आना ही नहीं चाहिए। आंख मूंद करके जीवन में जो आ गया, अब उसको स्वतः स्वीकार कर लेने में ही भलाई है, और कर लेना चाहिए। देखिए, ईसाइयत और इस्लाम का मूल लक्ष्य है भोग विलास। अब अगर एक ही पत्नी के साथ पूरी जिंदगी चलेगी, पूरी जिंदगी बिताएंगे, तो भोग विलास होगा कैसे? इसलिए पत्नियों को बदलते रहो, डिवोर्स लेते रहो, तलाक लेते रहो, और भोग विलास करते रहो। दूसरी ओर भारतीय सभ्यता संस्कृति में इनका मूल लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति कब होगी? जब ब्रह्मचर्य का पालन होगा, एक पत्नी के साथ जीवन भर रह के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, जीवन के कुछ शारीरिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना है, न कि भोग विलास करना है। और वहां तो लक्ष्य ही है भोग विलास। वहां मरने के बाद भी 72 हुरे और शराब की नदियां मिलती हैं, मतलब यहाँ रहो तो भोग विलास और वहां जाओ तो भी भोग विलास। अब पत्नी नहीं बदलेंगे, औरत नहीं बदलेंगे, तो भोग विलास होगा कैसे? चलिए, नमस्ते, नमस्ते।